आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे दिन भर में परमेश्वर ने हमें संभाला और ये सुंदर शाम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 92:4 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया और मैं तेरे हाथ के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर महान है कि उसके कामों के कारण हम आनंदित हुए, कि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया और हमारे जीवन में हर दुर्घटनाओं से हमें बचाया और उस कारण हम आनंदित हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। और सच में हम अपने मनों की बात और अपनी जो भी बात हमारे जीवन में घटती है उसको हम परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामने रखें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपनी भरपूरी से, अपने आनंद से, अपने प्रेम से हमें भरता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, कि ये सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु जी। धन्यवाद कि दिन भर संभाला प्रभु, हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक कलेश से, हर एक परेशानी से परमेश्वर आपने हमें बचाए रखा प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। प्रभु आप उनकी परेशानियों को जानते हैं प्रभु। प्रभु आप उनकी प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दे प्रभु। हर एक की आप सुधि ले प्रभु। यदि कोई बीमार है प्रभु, कोई कलेश में है, कोई कर्जे में है परमेश्वर, कोई डिप्रेशन में है, पिता परमेश्वर आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी और उन परेशानियों से उन्हें बाहर निकालिए प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु आज रात भर में परमेश्वर आप हर एक को मीठी नींद प्रदान करें प्रभु जी। पिता यदि आज दिन भर में कोई भी प्रभु समस्याओं में, चिंताओं में, बीमारियों में, कलेश में, कर्जे में या फिर किसी प्रकार के डिप्रेशन में या फिर अपने पारिवारिक समस्याओं में रहा हो, प्रभु यीशु इस समय परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सारी विपत्तियों से, उन सारी परेशानियों से, उन सारी बीमारियों से आप उन्हें बचाएं प्रभु। आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, आप उन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप हर एक जन पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, हर एक जन पर अपनी दया करें परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप सुख समृद्धि और शांति को दें परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु इस समय परमेश्वर हर एक जन को आप छू लीजिए प्रभु जी और पिता परमेश्वर उनकी समस्याओं का समाधान आप करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन रात भर में प्रभु जो लोग प्रभु शराब पी के घर आते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है उनके हृदयों को बदल दीजिए, उनके विचारों को बदल दीजिए और प्रभु फिर से उन्हें नया कर दीजिए, उनकी सोच को नया कर दीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर, ताकि उस काम के कारण सब लोग आनंदित हों प्रभु जी। पिता जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की रात में परमेश्वर आप प्रभु उनकी सुधि लें प्रभु, आप उन पर दया करें, आप अपनी दृष्टि उन पर करें प्रभु, ताकि प्रभु जी वो कलेश उनके जीवन से मिट जाए और वो तुझ में आनंदित हों और तुझे जय जयकार की भेंट चढ़ाए परमेश्वर। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग आज बीमारी में हैं या फिर अभी किसी बीमारी में, अभी किसी दर्द में है, यीशु मसीह आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर और हर एक बीमारी हम यीशु के नाम से डांटते हैं, आज्ञा देते हैं कि उनके शरीर को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो या फिर थायराइड हो, शुगर की बीमारी हो या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी, प्रभु कोई भी बीमारी आपके नाम के आगे बड़ी नहीं है, क्योंकि आप सामर्थी हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं इन सारी बीमारियों से। और प्रभु जो आजकल वायरल चल रहा है उस वायरल से प्रभु आप हर एक जन को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी। पिता हर एक पर आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, कि प्रभु आप अपने लहू के द्वारा हर एक को प्रभु सुरक्षा दें परमेश्वर पिता। प्रभु आज जो डिप्रेशन में है उनके डिप्रेशन को दूर करें, जो आज फ्रस्ट्रेशन में है प्रभु, परेशानियों में है और अपने कारोबार को लेकर परेशानियों में है, पिता हम तुझसे दुआ करते हैं उस टेंशन से आप उन्हें प्रभु आराम दें परमेश्वर और छुटकारा दें परमेश्वर, ताकि प्रभु आज की रात जब वो सोते हैं प्रभु तो अच्छी और मीठी नींद आप हर एक को प्रदान करें प्रभु जी। जो अपने जॉब के लिए चिंतित हैं प्रभु आप उनको अच्छी जॉब प्रदान करें
करें प्रभु, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की पूरी रात में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हर एक को आप अपने सुरक्षा दायरे में रखें। यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।